रोहित शर्मा अगेन लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट वहां पर बोल्ड होते हैं, विराट कोहली अगेंस्ट, शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट वहां पर बोल्ड होते हैं। आपने अपनी जो प्रॉब्लम है अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स, आप सॉलिड नहीं दिखते हो। रोहित शर्मा को दो बॉल बाहर निकलती है, एक बॉल काटा अंदर आती है, बोल्ड हो जाते हो। जब तक आपकी टीम में क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर नहीं होगा तो ऐसे आउट हो गए। हम क्या पागल है लगातार बोलते कि लेफ्ट आर्म सीमर लेकर आओ, इंडिया में शायद नहीं मिलेगा आपको, वो क्वालिटी एक अलग है। हमारे कपिल देव साहब जो शार्दुल ठाकुर अभी जा रहे हैं यहाँ पर, पर इन अपने आप को लगता है कि इमरान खान है, ये आपके वहां पर विवियन रिचर्ड है, ये आपके कपिल देव है, एक नंबर का घटिया बल्ला पकड़ना इसका आता नहीं है, ये आपका ऑलराउंडर बनने आ गया। शार्दुल से हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि ये इसके पास एक्सपीरियंस है। घंटे का कौन सा एक्सपीरियंस है इसके पास, कौन सा एक्सपीरियंस है, क्या करेगा? बस अभी तो बारिश को दोषी करो, शाहिद अफरीदी अच्छा कर गया, सेट होने के बाद रोहित, चौके छक्के लगाने के बाद रोहित, शाहिद अफरीदी फिर विकेट ले गया है हमेशा की तरह। शाहीन है वो घर से प्लान बना के आया ना, तो रोहित कैसे प्लान्स को तो काउंटर करना था। पर वही तो हम देख रहे हैं, आप बैटर हो, आप बारिश का ब्लेम तो नहीं लगा सकते, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। सही बात है, मैं मान रहा हूँ शाहीन का प्लान था, पर आप तो प्लान को ढंग से खेलो भाई। लगातार बोल रहा हूँ कि वहां पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क है, शाहीन अफरीदी है, वहां पर आपके ट्रेंट बोल्ट है, इनके पास क्या है, वो अनिकेत चौधरी, कोई जानता नहीं के चौधरी, कौन जानता नहीं के चौधरी को, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सोच रहे हो शाहिन अफरीदी की बॉलिंग खेल लोगे आप, ओ भाई कब खेलना सीखोगे यार, बेइज्जती करवा रहे हो, खाली पीली बहानेबाजी आपकी, ये कोई बॉलर है यार। ये तो रोहित ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बोला कि भाई हमारे पास हारिस नहीं है, नसीम नहीं है और शाहीन नहीं है, आप इसका मतलब एक्सक्यूज दे रहे हो कि हमारे पास इस क्वालिटी के बॉलर्स नहीं है। आप मैदान में उतरे नहीं है, उससे पहले आपके एक्सक्यूज कि क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं आप? बारिश एक्सक्यूज नहीं है, आपका फेलियर है। मैं कह रहा हूँ विराट और रोहित आपके आने वाले मैचेस में रन कर देंगे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ प्लेयर आपके कर जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैच नहीं, फाइनल मैच है। मैं कह रहा हूँ आपकी प्लानिंग क्या भाई, आप प्लानिंग आपकी गली बॉलर की प्लानिंग है, प्लेयर को कोई बॉलर है वहाँ पर, पांच पांच छक्के खा रहा है, हमारे पास कौन सा लेफ्ट आर्म सीमर है, ये गली बोलने से बॉल उठा के आते हैं, आपको पेपर देने बारहवीं के प्रैक्टिस करोगे पांचवी के पेपर क्या? आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल गया है आज का, आप यही बोलेंगे देखना मैच के बाद कि नहीं बारिश हुई हमारा मोमेंटम खराब हुआ वहाँ पे, आप यही एक्सक्यूज देंगे? आपके रिलेटिव से आपको पहले मिल गया, जर्सी पहनना, जर्सी चेंज करना, इनके जो ब्रांड वगैरह वो सारी चीजें, फोटो शूट वगैरह, वीडियो बनाना, ये इनकी तैयारी है भाई। ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि 10 साल से आप एक लेफ्टम से मन नहीं बना पाए, कुछ भी हो पाकिस्तान से हारना नहीं बनता, चाहे वो लीग का मैच हो कुछ भी हो, तैयारी क्या आपकी, हार गए तैयारी क्या है, कोई तैयारी नहीं है, क्या है हमने, कोई महीने में कौन सी क्रिकेट खेल ली, एक नंबर की घटिया बल्लेबाजी यहाँ पर जड्डू की तरफ से, शार्दुल की तरफ से, एक को बात समझ में नहीं आती, प्रिंस गिल कहाँ का बल्लेबाज है भाई, कब रन करता है ये, इसे आईपीएल में सपाटा पहुंचे प्रिंस गिल को, ऑरेंज कैप दिखती है भाई, ऑरेंज कैप का क्या, मैं अचार डालूंगा ये बताओ, ये प्रिंस गिल बड़े मैच में रन करने होते मेरे भाई, आपको आईपीएल में नहीं गड्डी पे जिस बना के दे दूंगी आपको मैं, ये बताओ। और शार्दुल ठाकुर आपका जिसकी टांग के ऊपर बॉल जाती नहीं है उसे हमने खिलाया है, हमें लगता है शार्दुल ठाकुर हमारा कपिल देव है, बेशर्मो बेअकलो, कभी तो टीम ढंग से खिला लिया करो यार। आपको पाकिस्तान की भी तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बैटर बॉलिंग करी, शाहीन ने वहां पर सेटअप ही होता है ना बॉलर का, बैटर को देखना पड़ता है कि मैं कैसे उसको काउंटर करूं, आपका बैट ही लेट आ रहा है, साफ पता लग रहा है बॉल निकल गई यार तब रोहित का बल्ला आया वहां पे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने बॉलिंग मतलब टॉस जीत के तुमने बैटिंग कराई है और दो विकेट तुमने उनके सबसे बड़े बॉलर को दे दिए। रोहित शर्मा जी किस तरीके से बोल्ड हुए हैं, हर बार का यही रोना है यार, हर बार का यही रोना है, कब तक पर्दे डालने यार, हर बार का यही रोना है। T20 नहीं है जी, ओडीआई है जी, ओडीआई में देख लेना जी, पता नहीं कौन से यहाँ पे मैल्कम मार्शल की बॉलिंग हो रही है, दुनिया से तो खेला नहीं जाता शाहिन शाह अफरीदी, तुमने हमेशा पहले ओवर दूसरे ओवर तीसरे ओवर में जाओ जी उसके बोल्ड ही हो जाओ, या बोल्ड हो जाओ या एलबी हो जाओ, ओपनर से आउट होना ही होना है, विराट ने दूसरे तीसरे चौथे ओवर में आना ही आना है, फिर से बस ये देखते रहो विराट चल गया तो बच गए, नहीं चलेगा तो गए, कब तक चलेगा? दोनों दोबारा टॉप बैटर बोल्ड कर दिया उसने शाहिद अफरीदी ने, टॉस जीत के बैटिंग कराई है 30 पे 2। इस तरीके से आप लोग आउट होते हो, ये तरीका है वनडे में इतनी जल्दी बैट ही इतना लेट आ रहा है, विराट पता नहीं कौन सा कट मार रहे हैं वहां पे, पेस ही नहीं, सीधे बल्ले के साथ तू नहीं खेल रहे तो इतनी अच्छे ड्राइव मारी चौके पे,
क्या तुम क्या पार्क में घूम रहे आए हो क्या? वो तुम्हें क्या लल्लू पज्जू है क्या? वो अड्डा बॉलिंग करा रहे क्या? वो तुम्हें हो क्या रहा है? तुम्हारे दिमाग में यहाँ चल रहा है भाई? आज शाहिद आफरीदी ने मेरे को क्लैरिटी से आंसर दिया है इस बात का, और बात को मैंने सोचा भी तो अग्री करता हूँ। उन्होंने बोला हमारे प्लेयर जो मुस्कुरा रहे हैं, जो हंस रहे हैं ना, जब आप अपनी प्रोसेस से कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब आपको अपनी प्रोसेस में कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू बिकम रिलैक्स कि हमने तैयारी अच्छी करी हुई है, हम लगातार खेल के आ रहे हैं, हमारा 6 दिन का कैंप लग गया थी बैंगलोर में। अबे तुम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाओगे क्या? शाहिद आफरीदी एक एक टीम को कितनी बार आउट करेगा एक आदमी, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो? ये शॉर्ट बॉल आउट होने वाली थी नहीं, बिल्कुल इतनी हाइट उतनी थी इसकी। उसने इसको पहला पूरा ओवर खिलाया हारिस ने, ऊपर ही करता ना चौके भी खाया, एक शॉर्ट बॉल करिए भाई साहब आउट हो गए। और मैं जब ये आए ये क्रीज पे मैंने बोला भाई इसको शॉर्ट बॉल नहीं कराई अभी तक, इन्होंने सीधी हाथ फील्डर भी कराया हुआ है, फील्डर ने देखा भाई तूने फील्डर नहीं है, या तो आपके बस्कियों के शॉर्ट बॉल में छक्का मार दो जो छक्का बनता था। अब ये हमारे हैं तीतर बटेर, फील्डर फील्डर हाथ में खड़ा है भाई, फील्डर खड़ा उसके हाथ में बॉल देकर आ रहे हो। मैंने 1000 बार बोला है श्रेयस अय्यर से शॉर्ट बॉल नहीं खेली जाती, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 50 बार हो गया, श्रेयस अय्यर 1 साल के बाद आ रहे हैं, नहीं जी वो तो बहुत बढ़िया है, केएल राहुल से प्रेशर हैंडल नहीं होता, नहीं जी वो बहुत भाई। ये पर्चियां क्यों चल रही है हमारे देश में? जिरी के पास सीधा आ रहा है, कौन सी देश में ऐसी पर्चियां चलती है? चौके वाली बॉल पे हाथ में कैच दे रहा है मेरे भाई, ये बॉल दे दो पाकिस्तानी किसी बैटर को, चौका नहीं छक्का ही मारेगा, दे दो फखर जमान को, इबाब को छोड़ दो, इवन बाबर को बोल रहा हूँ, दे दो आप रिजवान को, लपेट के छक्का मारेगा ऑन साइड पे, दे दो आप इफ्तिखार को, ये कोई बॉल है आउट होने वाली। दोस्तों शहनशाह आफरीदी ने अपनी शानदार बॉलिंग से भारतीय बैटर्स के दिल दहला दिए। शहनशाह आफरीदी ने पाक भारत मैच के दौरान नई तारीफ रकम की, एशिया कप वनडे की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि फास्ट बॉलर्स ने मुखालिफ टीम की तमाम विकेटें हासिल की। इसके अलावा शहनशाह आफरीदी ने एक और एजाज भी अपने नाम कर लिया है, वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने किसी वनडे मैच की एक इनिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली को दोनों को आउट किया। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।